name is Shilpi Cambo, and I am the founder at The Divine Within. मैंने ऑलरेडी आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था लास्ट टाइम, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन क्लिक ऑन द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट वॉट ऑल डू आई ऑफर एट द डिवाइन विद इन. सो लास्ट वीडियो मैंने अपना बनाया था वेयर आई वॉज गाइडेड टू रीच आउट टू ऑल ऑफ यू एंड टू शेयर what are the stages jo ek you know one person goes through while going through spiritual awakening. And maine usme dark night of the soul ki baat kari thi, ek aisi stage jahan pe aap bahut zyada problems experience kar rahe hain, bahut zyada issues face kar rahe hain in your day to day life, and you are not really understanding ki ye kyun ho raha hai aapki life. सो उस स्टेज से द नेक्स्ट स्टेज दैट वी मूव ऑन टू रादर इज मैं उसको बोलती हूँ द थ्री आईज एज एन आई फॉर इंडिया. एंड दीज आर रियली द स्टेजेस वेयर द फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब आपको जब ये चीज़ें आपके आसपास होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमने बात करी सिंक्रोनिसिटीज हैं, ड्रीम्स हैं, मैसेजेस हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, एक इनके थ्रू ही यू नो मूव करते करते आप एक ऐसे स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पे सडनली यू स्टॉप बिलोंगिंग टू द सेम एनवायरनमेंट दैट यू हैव ग्रोन अप इन. तो आपको जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हैं उनकी बातें सडनली आपको बहुत मे बी पुट ऑफ करना शुरू हो जाती है. यू फील दैट एज इफ यू नो यू डोंट बिलोंग टू दिस ग्रुप एनी मोर, यू डोंट रिलेट टू द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस दोज पीपल आर हैविंग अराउंड यू, बिकॉज आपको लाइफ की कुछ एक और ही सच्चाई दिखना शुरू हो गई है. सो यू स्टॉप कनेक्टिंग विद देम. यू फील ऑल्सो बहुत ऐसे लगता है कि सडनली बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, मतलब यू फील वेरी सेंसिटिव टू पीपल अराउंड यू, टू प्लेसेस अराउंड यू. कोई भी अगर नेगेटिविटी आपको फील होती है आपके आसपास तो आप बहुत उससे अफेक्ट हो जाते हो. दिखने में शायद बहुत एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, बट यू रियली आर वेरी डीपली अफेक्टेड कि ये इस पर्सन ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ. You know, so you become very sensitive to energy. That's what happens. And most importantly, aapko bahut zyada time you want to just spend with your own self in your own company. I remember jab I was going through something similar. Us time pe mujhe lagta tha ki you know main bas meditation mein hi baithe rahu, या मैं अकेले बैठे रहूं और अकेले बैठ के यू नो आई यूज़ टू ब्राउज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, बट मुझे हर तरफ यू नो ये लगता था कि मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही पढूं. मुझे लगता था कि ये जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं मैं किसको रीच आउट करूं, किससे कनेक्ट करूं और किससे ये वैलिडेशन लूं कि ये क्या चीज़ है, कौन है जो यू नो मुझे रास्ता दिखाए कि व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग इन माय लाइफ. सो आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय सेल्फ. ऐसे लगता था कि किसी से बात नहीं करें, अपने 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 आप की कंपनी बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाती है. सो इट इज वो एक वर्ड होता है अकेलापन. दैट अकेलापन इज नॉट द वर्ड, राइट? सो यू आर नॉट अलोन, बट यू आर ऑल बाई योर सेल्फ. यू आर लाइकिंग स्पेंडिंग दैट टाइम ऑल बाई योर सेल्फ बिकॉज आपकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि आपको आसपास के लोगों से उतना कनेक्ट ही नहीं रहा जिनके साथ अभी तक प्रॉबेबली आप हैंग आउट करते थे. उनकी बातें आपको नहीं समझ में आ रही, उनके यू नो इंटरेस्ट आपको नहीं समझ में आ रहे. यू डोंट फील लाइक यू फील अ मिसफिट इन दैट वेरी सेम group, and you want to really spend a lot of time with yourself, trying to understand ki ye kya ho raha hai mere sath. And uske alawa jo cheeze aapko probably ek time pe bahut excite karti thi,
that you know, let's go partying or let's go shopping or you know whatever was the interest. मतलब मेरा अपना खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो चीज़ें आपको कॉल आउट करना बंद कर देती. यू फाइंड देम टू बी वेरी फ्रिवलेस एक्सरसाइजेस. मतलब आपको लगता है ये आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इनका क्या मतलब, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आर यू इवन थिंकिंग ऑफ डूइंग और वेस्टिंग योर टाइम इन सच एक्टिविटीज जो प्रॉबली एक टाइम पे आपको बहुत इंटरेस्ट करती थी. एंड ऑफकोर्स एक चीज और जो मेरे साथ हुई थी एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू के साथ भी हो रही होगी, वॉज दैट आई डिवेलप्ड दिस इनसेशियबल एपेटाइट फॉर एनी थिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. मतलब मुझे यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या है, दूसरी दुनिया, ये क्या चीज़ है और कैसे मैं भी इस दुनिया का एक छोटा सा पार्ट बनूं. मतलब सो आई यूज टू आई थिंक आई वॉज एट अ स्टेज जहाँ पे आई बिकेम सो क्यूरियस दैट इन माई क्वेस्ट फॉर नॉलेज ऑन स्पिरिचुअलिटी दैट आई वॉज रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. उस टाइम पे मेरे को याद है डॉक्टर ब्रायन वीस की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी. उनकी एक सीरीज है यू नो हिप्नोसिस पे एंड पास्ट लाइफ्स पे, एंड उसके थ्रू उन्होंने कैसे डिस्कवर किया दैट यू नो लाइफ और डेथ क्या होती है. ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब आई मेड अ फुल लाइब्रेरी ऑफ दीज स्पिरिचुअल बुक्स एंड आई वॉज जस्ट रीडिंग देम एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि इतना और कहीं ना कहीं जो मैं पढ़ रही थी मुझे लगता था कि हाँ यही मेरा बिलीफ सिस्टम है, रियली में यही मेरा बिलीफ सिस्टम है, यही तो चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से मानती आई हूँ. बट ऑफकोर्स हमारी सोसाइटी ऐसे है कि आप इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं बात करते हो. यू नो टॉपिक्स लाइक यू नो स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ दीज आर रियली लुक डाउन अपॉन. यू नो यू डू दीज आर नॉट रेगुलर कॉन्वर्सेशंस दैट पीपल हैव. बट मेरे को उसके बारे में ही बात करना था. मुझे लगता था कि ये जितनी भी मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ ये तो मेरी यू नो बचपन से मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करती आई हैं. एंड नाउ यू नो आई वॉज काइंड ऑफ लेइंग माई हैंड्स ऑन ऑल ऑफ दिस मटीरियल, ऑल ऑफ दिस नॉलेज एंड रियली मतलब एक के बाद एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं एंड चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ ये वाकई में ये जो एक्सपीरियंसेस लोग शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी उन एक्सपीरियंसेस से बिट्स एंड पीसेस में रिलेट करना शुरू हो जाते हैं. दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी एज वेल. एंड इस टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है आपको? एक तरफ आइसोलेशन हो रही है, एक तरफ आपकी जर्नी पे आप बिकॉज आपको इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है तो आप नॉलेज बिल्डअप भी कर रहे हो, तो ये हो क्या रहा है? सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस समय जो ये हो रहा है वो यूनिवर्स आपको आइसोलेट कर रही है सो दैट यू कैन स्टार्ट टू बिल्ड ऑन योर ओन जर्नी. आपको पर्पसली यूनिवर्स आइसोलेट कर रही है बिकॉज अगर ये डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, अगर पहले के जैसे ही आप अपना टाइम स्पेंड करते रहोगे इन एक्टिविटीज़ में या उन लोगों के साथ में, तो आपका वो फोकस कभी भी आ ही नहीं पाएगा टू फाइंड आउट व्हाट इज़ योर जर्नी अबाउट. एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट फेज जहाँ पे आपकी फैमिली सोचती है कि आप बिल्कुल क्रेजी हो चुके हो, आप कमरे में बंद बैठे हुए हो, आप पूरे टाइम बुक्स पढ़ रहे हो या यू नो फोन पे हो, नॉलेज यूट्यूब से ले रहे हो या यू नो यू आर एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर प्रोग्राम्स और मेंटोर्स हु कैन हेल्प यू. बट रियली में दिस इज आई थिंक अ स्टेज जहाँ पे यूनिवर्स आपको लेके आती है, आपको पर्पसली आइसोलेट करती है सो दैट ये फेज में आप अपनी जर्नी पे अब फोकस करना शुरू करो. अपने आइसोलेशन पे मत ध्यान दो कि क्यों मेरे दोस्त छूट गए, क्यों मुझे ये अभी तक ऐसे लोग पसंद आ रहे थे बट अब मुझे नहीं पसंद आ रहे. उस पे फोकस मत रखो. द फोकस शुड बी ऑन
व्हाट आर यू बीइंग प्रेजेंटेड विथ. जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, बिल्ड ऑन योर नॉलेज. टेक दिस टाइम टू बिल्ड ऑन योर नॉलेज. एंड विद दिस ऑल्सो द यू नो नेक्स्ट स्टेज कम्स वेयर विच इज द सेकेंड आई, वेयर यू टॉक अबाउट द इनर कॉन्फ्लिक्ट. अब इस स्टेज में क्या हो रहा है कि आपने आइसोलेट हो गए हो, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, बट उसके साथ में एक इनर टसल भी शुरू हो गई कि ये चीज़ें मुझे अभी तक बहुत अट्रैक्ट करती थी, अब क्यों नहीं कर रही हैं, या ये जो मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ ये मुझे दिल से, मुझे पता है ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, लेकिन जो मेरे अपने संस्कार हैं या अपनी अपब्रिंगिंग है, कंडीशनिंग है वाइल ग्रोइंग अप, ये तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें, तो मैं कैसे समझूं कि ये बिल्कुल ठीक रास्ता है कि नहीं. बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट. रीजन बीइंग, आपके सामने कोई भी ऐसा मेंटोर या ऐसा कोई भी गाइड इस समय नहीं है जो आपका हाथ पकड़ सके और आपको बताए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, राइट. एंड एज ह्यूमंस इट इज़ वेरी नेचुरल टू सीक वैलिडेशन. इट इज़ वेरी नेचुरल टू नो कि हाँ आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो कि नहीं हो, बिकॉज ये रास्ता तो मतलब बिल्कुल अभी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं. तो ये एक बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज आती है. एंड फिर आपको ये भी लगता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो तो बड़ी नॉर्मल लाइफ से दे आर वेरी हैप्पी. मतलब सुबह उठो, अपना यू नो एड्रेस टू योर नीड्स, फैमिली नीड्स, go to work, you know, have a good job, get a happy life, spend my family ke saath mein time bitao, and they are very happy with that. Why aren't they questioning? Aur ye keeda aapko hi kyon aa raha hai? Ye kahan se keeda aapke andar aa raha hai jahan pe aap kyon question kar rahe ho? Why are you going away from the norm? Lekin ab koi option hi nahi hai. Ab to hum norm se ja chuke. Ab to hamare jo पुराने दोस्त थे, पुराने acquaintances थे, उनको हमने पीछे छोड़ दिया और आगे अभी कोई दिख नहीं रहा है. और अब हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे ऑल्दो देर इज अ वेरी न्यू सेंस ऑफ ग्रोथ, देर इज, क्योंकि आपके साथ जो यूनिवर्स आपको जो सपोर्ट कर रहा है, जो आपको एक्सपीरियंसेस दे रहा है, उसके साथ में एक यू नो एक्साइटमेंट तो है अटैच्ड. तो डेफिनेटली एक ग्रोथ का पीरियड तो आ गया है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज बिल्डअप कर रहे हो, आप अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है. और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि आपके आस पास के जो एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास लोग हैं, दे आर रियली गोइंग ऑन अबाउट यू नो विद देयर रूटीन लाइव्स एंड यू फील वेरी लॉस्ट, यू फील वेरी अलोन, यू फील वेरी कंफ्यूज्ड. बिकॉज आई रिमेंबर एक स्टेज ये ऐसी थी मेरे साथ भी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड ऑफकोर्स एक साइड पर बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज यू नो आई वॉज एक्सपीरियंसिंग थिंग्स जो कि मैं सिर्फ सुन रही थी वीडियोज में जो दूसरे एक्सपीरियंस कर रहे थे. एंड आई वॉज ऑल्सो समवेयर बींग शोन ऑल ऑफ दैट, समवेयर बींग गिवन लिटिल बाई लिटिल ऑफ दैट. बट ऑन द अदर हैंड जो मेरे आस पास के लोग थे, दे वर रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग माई जर्नी, राइट, वाइल दे वर वेरी सपोर्टिव. बट एक वो वॉइड था जिसमें देर वॉज नो बडी हु आई कुड रीच आउट टू एंड टेल देम कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ था? अनफॉर्चुनेटली यू नो वी आर इन अ सोसाइटी वेयर अ लॉट ऑफ अस एंड अस ह्यूमंस, अ लॉट ऑफ अस आर नॉट हैप्पी विथ द प्रोग्रेस प्रोबेबली दैट अदर्स अराउंड अस आर मेकिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली a lot of people even in the you know even on this journey, jinhone khud ki journey ko leke bhi jo aage badhe hain,
दे आर नॉट वेरी ओपन अबाउट शेयरिंग कि भाई हाँ यू नो वी हैव गॉन थ्रू अ सिमिलर थिंग एंड व्हाई डोंट यू डू दिस और यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस. तो ऐसे नहीं होता है. ऐसे दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि लोग ओपन नहीं होते हैं. लोग आपको गाइडेंस नहीं देना चाहते हैं फॉर सम रीजन. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट रीजन बिकॉज पर्सनली यू नो आई लव रीचिंग आउट. एंड अगर आप में से किसी को ऐसा कुछ भी हो रहा है एंड अ लॉट ऑफ यू हैव रीच्ड आउट टू मी इन दीज पास्ट 3-4 डेज जब से मैंने वो वीडियो डाला है आस्किंग मी कि हाँ मैम हमारे साथ ऐसा हो रहा है हमें क्या करना चाहिए. एंड आई हैव बीन वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट दैट येस इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू हैपन एंड प्रॉबली दिस इज वॉट यू शुड बी डूइंग नेक्स्ट. बट कमिंग बैक टू माई जर्नी एंड कमिंग बैक टू अ प्लेस वेयर यू नो इफ यू डोंट हैव सच पीपल अराउंड इस स्टेज में क्या करना चाहिए. जब आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस स्टेज में क्या करना चाहिए. उस स्टेज में आपको ये करना चाहिए दैट यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. यू नो थैंकफुली टूडे वी हैव अ लॉट ऑफ सच कम्युनिटीज ऑन सोशल मीडिया. व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, कोचिंग ग्रुप्स होते हैं, गाइडेंस ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं हु आर ऑफरिंग यू दिस गाइडेंस फॉर फ्री, हु आर विलिंग टू शो यू द पाथ, बशर्ते कि आप उनको रीच आउट करो. ओके, सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी वेयर यू विल फील वेरी अंडरस्टूड. जहाँ पे कोई आपको मॉक नहीं करेगा आपके एक्सपीरियंसेस के लिए, जहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे पता नहीं ये चीज़ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए. लुक फॉर अ कम्युनिटी ऑफ ट्रस्टेड पीपल, पीपल हु आर देयर टू अपलिफ्ट यू एंड नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड टेल यू कि नहीं 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 अभी ऐसे हो रहा है चलो अच्छा ये मंत्र कर लो, ये उपाय कर लो, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो. ये सब का कोई फायदा नहीं. जो फायदा है वो फायदा ये है कि इस समय आपको सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए कि आपको क्या करना है. तो लुक फॉर अ कम्युनिटी और लुक फॉर अ मेंटोर हु कैन हैंड होल्ड यू एंड हु कैन हेल्प यू गिव यू डायरेक्शन दैट दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल मेरा भी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है डिवाइन विद इन का वेयर वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ अराउंड 80 पीपल एंड दीज पीपल हैव बीन विद मी फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ. एंड उसमें से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी मेरे से पेड सर्विस नहीं ली है बट ऑन अ डेली बेसिस यू नो वी शेयर आर एक्सपीरियंसेस ऑन दैट ग्रुप जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो दूसरों के साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं एंड वी हैव क्रिएटेड दिस स्पेस फॉर अ न्यूबी टू कम इन एंड सोक इन द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स कि बाकी क्या कर रहे हैं और क्या वो चीज़ अगर मैं करूँ तो मेरे लिए काम आ सकती है कि नहीं आ सकती. सो दिस इज वॉट यू शुड बी डूइंग एंड अगेन इफ यू फील वेरी सेफ बींग पार्ट ऑफ सच अ कम्युनिटी आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहिए कि आपको क्या फील हो रहा है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं. जैसे आप देखोगे मेरा जो पेज है डिवाइन विद इन का इंस्टा पे, वेन एवर आई डू अ पोस्ट देयर बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ मैम हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है. द अदर डे आई पुट आउट अ पोस्ट कि योर रिंगिंग किस किस को फील होती है एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि येस दिस इज समथिंग वी एक्सपीरियंस, वॉट इज इट दैट वी शुड बी डूइंग नाउ. किसी को गूजबम्स की सेंसेशन फील होती है, किसी को रात में बहुत हाई पिच साउंड्स आती हैं और ये एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि इन एक्सपीरियंसेस से डरना नहीं है. आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ये आपके गिफ्ट्स हैं. दीज आर द गिफ्ट्स दैट यू हैव कम हियर विथ एंड द ओनली थिंग दैट योर गाइड्स आर ट्राइंग टू डू इज टू हेल्प यू ओपन अप एंड रिसीव दीज गिफ्ट्स. क्योंकि जब तक आप गिफ्ट रिसीव ही नहीं करोगे उसके साथ काम कैसे करोगे. तो बहुत सारी अगेन यू नो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे खुद के भी हैं. जैसे आई विल शेयर विथ यू एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि अगेन यू नो सो आई यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, दिस इज ऑफ कोर्स प्री कोविड टाइम्स, काफ़ी टाइम हो गया अब तो इस चीज़ को, कि सुबह 6:30 उठना होता था
बेटे के स्कूल के लिए उसको भी रेडी कराना पड़ता था. एंड एक टाइम ऐसा आया था उस टाइम पे जब आई थिंक दे वर वर्किंग ऑन माय क्लेयर ऑडियंस. क्लेयर ऑडियंस मतलब साइकिक हियरिंग, जो आपको कुछ चीज़ सुनाई पड़ रही है किसी और को नहीं सुनाई पड़ रही. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई थिंक दे वर वर्किंग ऑन माय साइकिक सेंसेस. और मुझे याद है कि रोज़ 5 या 5:15 बजे सुबह मुझे बेल की आवाज़ आती थी. एंड होता क्या है ना, बिकॉज आप जब सो रहे हो एंड एकदम से बेल की आवाज़ आती है एंड यू थिंक दैट यस इट्स टाइम, प्रोबेबली द कुक हैज़ कम और वट एवर, एंड यू गेट अप. एंड आई यूज टू गेट अप एंड आई यूज टू गो एंड ओपन द डोर एंड कोई भी नहीं होता था वहाँ पे. और ये काफ़ी बार हुआ. एंड अगेन लाइक आई सेड, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, कैसे सिर्फ मुझे ही सुनाई पड़ रहा है घर में, क्या हो रहा है. एंड उसके बाद एक और एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जहाँ पे मुझे लगा कि अरे कौन मेरा नाम ले रहा है, एंड यू नो समबडी इज़ कॉलिंग आउट. एंड देखा तो कोई भी नहीं है, कौन, कोई भी नहीं, खाली घर है, कौन नाम ले रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. उसके अलावा यू नो देर इज़ दिस स्मेल थिंग विच वॉज हैपनिंग. सो वी आर ऑल सिटिंग इन माई दिस थिंग ड्रॉइंग रूम वॉचिंग अ मूवी एंड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिट्रस स्मेल मेरे को आ रही थी. एंड आई सेड ये कहाँ से, नींबू की स्मेल कहाँ से आ गई है. एंड यू नो द अदर्स गेव मी लाइक सच अ वियर्ड लुक कि कौन नींबू, सब यहीं पे बैठे हुए हैं, किसके पास नींबू है, नोबडी हैज़ अ नींबू. सो आई सेड नो बट देर इज सच अ स्ट्रॉन्ग यू नो सिट्रस स्मेल दैट बहुत प्रोमिनेंट है. बट धीरे 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 यू रियलाइज दैट वो आपको यू नो आपके ऊपर वो आपको काम कर रहे हैं. सो जब होता क्या है, जब हम अपनी स्लीप स्टेट में होते हैं, वी आर नॉट यूजिंग आर लॉजिकल माइंड. उस टाइम पे द गाइड्स दे वर्क ऑन योर डेवलपमेंट आपके ड्रीम के थ्रू. आप जब सो रहे होते हो तो ऑफ कोर्स दे वर्क विद योर हायर सेल्फ टू ओपन अप योर गिफ्ट्स दैट यू हैव कम हियर विद. एंड मेरे साथ यही हो रहा था. तो मेरे साइकिक गिफ्ट्स वो प्रॉबेबली अनलॉक कर रहे थे, ओपन अप कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था. मुझे लग रहा था ये क्या विविड, मतलब क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं ये. जैसे अगर मेडिटेशन कर रहे थे तो मेडिटेशन में जैसे आईज क्लोज करी हैं तो एकदम से यू नो कुछ दिख रहा था बिल्कुल कि ये क्या दिखा, ये क्या विजन था. और थोड़े दिन बाद पता लगा कि हाँ ये विजन तो ये था, इसका ये मीनिंग था. तो एक बट वॉट हैज़ ऑलवेज यू नो हेल्प्ड मी दैट has helped me on this journey has been that I haven't ever been afraid. Pata nahi kyun but mere andar wo dar kabhi tha hi nahi jab ye cheeze mere sath ho rahi thi. Aur jo bhi cheez ho rahi thi I was very accepting of it. And for some reason I was very sure ki mere sath kuch bura nahi ho raha. I was just taking it in my stride. कोई भी मतलब जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, जैसे वन टाइम आई शेयर दिस विथ यू, आई शेयर इट इन माई लाइफ ऑल्सो. सो एक बार क्या हुआ कि अगेन सुबह का टाइम होगा एंड माई हस्बैंड वॉज ट्रैवलिंग एंड देयर वॉज मी एंड माई सन, वी वर स्लीपिंग इन द रूम. करीब ऐसे 5:15 बजे की बात है एंड आई वॉज स्लीपिंग. एंड मैं क्या करती हूँ, मैं जब सोते हूँ तो एक फुट मेरा मैं उससे बाहर निकाल के सोती हूँ, क्विल्ट से बाहर निकाल के मेरा एक पैर थोड़ा बाहर रहता है. तो एंड इन माय माइंड आई नो कि हाँ 6:15 बजने वाले हैं तो उठने का टाइम हो रहा है. एंड सडनली आई फेल्ट अ सेंसेशन कि कोई तो मेरी यू नो टोज को टिंगल कर रहा है. ये क्या हो रहा है. एंड आई सेड अच्छा ये चलो लेटे रहो यू नो, तो लेट्स जस्ट बी, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है. तो मैंने कहा चलो चलो लेटे रहो, कुछ मत छेड़ो वेड़ो, हिलो मत, एंड जस्ट यू नो कंटिन्यू टू लाई डाउन. एंड वो टिंगलिंग सेंसेशन हुई फीट में एंड किसी ने फिर वो जो मेरा फुट बाहर निकला हुआ था वो रजाई लेके मेरे फुट को वेरी लाइक यू नो हाउ अ मदर टक्स इन अ बेबी, वो मेरे पैर को ऐसे टक इन कर दिया. एंड टिंगलिंग इज वन थिंग. सो टिंगलिंग इज यू नो व्हेन यू कई बार आप इमेजिन भी कर लेते हो टिंगलिंग, बट
ये जो एपिसोड हुआ टकिन का, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड वॉट जस्ट हैपेंड। एंड एनी वे सो मैं लेटी रही, अब तो उठने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि ये तो क्या ही हो रहा है, वहां पे कोई भी नहीं है रूम में, ओनली मी एंड माई सन इज देयर और ये क्या हो रहा है। बट एनी वेज मैं लेटी रही एंड आफ्टर दैट यू नो कपल ऑफ सेकेंड्स हैड पास्ड एंड आई फेल्ट एज इफ दिस हूएवर इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड पावरफुल एनर्जी, उन्होंने आके मेरे को एक बहुत ब्यूटिफुल हग दिया, एम्ब्रेस किया एंड माई हार्ट स्पेस वॉज फिल्ड विथ सच एन अमेजिंग सेंसेशन। लाइक यू नो लाइक आई सेड कि आप किसी को भी ये आप बेस्ट वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हो बट रियली में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो आपने फील किया। और उन्होंने जो मुझे वो हग किया और जो यहाँ पे मेरे को इतना इमेंस फीलिंग ऑफ लव, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। एंड आई वॉज बींग हग्ड एंड थोड़े से मेरे यू नो टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग एंड इट लास्टेड फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स एंड उसके बाद वो चले गए। एंड अब मैं बेड पे लेटी हुई हूँ तो मैंने कहा कि ये कोई सपना तो डेफिनेटली नहीं था, ये तो बहुत तो कुछ अमेजिंग हुआ है। एंड अगेन क्या करते हो फिर, आप क्या सोचते हो कि अब किसको बताएं ये क्या अमेजिंग हुआ, बट किसी को नहीं बता सकते बिकॉज किसको बताओगे। एंड ऑफ कोर्स पीपल अराउंड यू विल आर यू नो गोइंग टू टेल यू दैट यू आर क्रेजी, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, बट एनीवेज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल experiences of my life where I think a very beautiful higher energy came to bless me, to embrace me, to give me their blessings. And so bahut bahut sari you know aisi cheeze hoti hain. And of course what works is definitely having some kind of a mentor or some kind of a community, a safe community jo aap jahan pe you know you will feel comfortable sharing what you're going through, sharing this kind of an experience, and not because you want to make a point but because what you have experienced is something that you've that is beyond the human experience. It cannot be explained, it cannot be described, it cannot be put in words. It is something that can only be felt, and whatever you have felt, you are so joyous with that feeling, full of joy with that feeling, that you want to share it with somebody. So agar aap bhi is stage pe hain, so look for a community which can help you, give you that space. Okay, so that is the second I that we spoke about. And the third I is also now a very important part of this phase of your journey, which is the inner work or shadow work bhi hum bolte hain. Shadow work kya hota hai, inner work kya hota hai, ki ek ye stage aa gayi hai jahan pe you know aapki knowledge building ho rahi hai, aapko bahut awareness aa rahi hai, aapko bahut clarity hai from whatever you are reading around you, whatever is happening around you, whatever your guides are making you experience. And उसके साथ में आपको एक ये भी clarity आ जाती है कि ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, इन चीज़ों का the reason why I'm troubled with all of this happening around me has got everything to do with me and nothing to do with the other person. So what happens is you start to take accountability of your own actions in your own life. Getting me? So is time pe ek there is a very amazing book which I recommend to each of my this thing student, and that is called Your Soul's Plan. It is authored by Dr. Robert Schwartz. He's an excellent author. और इस book में उन्होंने real subjects के साथ में hypnosis and other techniques use करके
ये फाइंडिंग्स हैं उनकी, वेयर ही हैज डिस्क्राइब्ड व्हाट आर द काइंड ऑफ प्लान्स दैट आर सोल मेक्स बिकॉज ऑफ विच वी गो थ्रू सर्टन एक्सपीरियंसेस व्हाइल वी आर इन द ह्यूमन बॉडी. इस बुक को आई हाईली रेकमेंड दिस बुक बिकॉज इस स्टेज पे, जब वो इनर वर्क वाली स्टेज आई मेरी, इस स्टेज पे इस बुक ने मेरा 100% ट्रांसफॉर्मेशन किया. इट्स अ क्वाइट अ थिक बुक एंड आई रिमेंबर आई फिनिश्ड दिस बुक इन अबाउट 2 डेज. आई स्टार्टेड टू रीड और मेरे को इतना मज़ा आ रहा था वो बुक पढ़ने में कि आई कुडंट जस्ट कीप इट डाउन. एंड वट एवर अंडरस्टैंडिंग आई टुक आउट फ्रॉम दिस फ्रॉम द एक्सपीरियंसिस दैट वर शेयर्ड इन द बुक, सब चीज़ों ने सिर्फ एक ही चीज़ को पॉइंट किया कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले रिजॉल्व करनी है. अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सो इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी यू नो दिस थिंग डीप रूटेड इशू विथ अ क्लोज फैमिली मेम्बर, द रीज़न वाई यू आर फीलिंग लाइक दिस इज बिकॉज उसमें तो आपका लेसन छिपा हुआ जो आप लेसन नहीं समझ पा रहे. आप उस फैमिली मेंबर को हेट कर रहे हो, आप उस फैमिली मेंबर को कर्स कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार क्यों मुझे ही ये मिलना था, मुझे ही ऐसे होना था, मेरे साथ ही ये इंसान को आना था. लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये इंसान आपको ये एक्सपीरियंस क्या सिखाने के लिए दे रहा है. सो दिस इज अ स्टेज जहाँ पे आपको अपना ईगो डिसॉल्व करना है. आप गलत हो, आप गलत होते आए हो और आप आगे भी गलत हो सकते हो. यू आर नॉट द सुप्रीम पावर दैट आप गलत नहीं हो सकते. सो यू नीड टू कीप योर ईगो ऑन द साइड. यू नीड टू गो एंड एक्सटेंड हैंड्स आउट टू पीपल हु यूव मेड यू नो हु यूव हैड प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम सिर्फ उनकी तरफ से नहीं थी, कभी भी कोई भी इशू सिर्फ वन साइडेड नहीं होता, दोनों तरफ से प्रॉब्लम होती है. तो बजाय उसको कि आप उनको ब्लेम दे रहे हो, पहले अपने आप को तो आप ठीक करो. एंड उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने ईगो को साइड में रखना, उस इंसान को, उन सिचुएशंस को स्टार्ट टू लुक एट देम एज टीचर्स ऑफ योर लाइफ रादर देन विलन्स ऑफ योर लाइफ. सो यू हैव टू कम्प्लीटली चेंज द परस्पेक्टिव. और उसके साथ में ही, चाहे वो इनर चाइल्ड हीलिंग हो, चाहे यू नो व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप, अ लॉट ऑफ अस फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हाइल ग्रोइंग अप. नॉट ऑल ऑफ अस हैव वेरी लविंग पेरेंट्स, नॉट ऑल ऑफ अस हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट टू ग्रो अप इन. आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी तो ह्यूमंस ही हैं ना, उनके भी अपने इश्यूज रहे हैं जो प्रॉब्ली उन्होंने आप पे निकाले. तो आपका जो इनर चाइल्ड हर्ट हुआ व्हाइल ग्रोइंग अप, उस पर काम करो. यू नो अभी प्रेजेंट लाइफ में अगर पार्टनर के साथ में इश्यूज हैं, देर इज अ रीजन व्हाई यू हैव अट्रैक्टेड अ पर्टिकुलर पार्टनर. व्हाट इज दैट रीजन? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट रीजन. एंड शैडो वर्क और इनर वर्क, यही सारा काम है जहां पे आपको बैठ के आपको अपने एक एक जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको निकालना. और वो निकालना तो बहुत मुश्किल है बिकॉज अपनी आंखों में तो हम बिल्कुल ठीक है, हम तो 100% करेक्ट है, हमारे अंदर तो कोई फ्लॉ ही नहीं, right? So that is the most difficult part. And like I say, a true healer is somebody जिसने पहले अपने घावों पे काम किया हुआ, अपने issues पे काम किया. क्योंकि अगर आपने अपने issues ऐसे ही unresolved छोड़ दिए हैं तो आप दूसरों को क्या help करोगे? How are you going to bring them out of the darkness if you yourself are in the darkness? You cannot do that. होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, क्योंकि आपके ही इश्यूज आपको सराउंड करके रखे रहेंगे. ओके, सो इनर वर्क जो है, इट इज अ वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ वर्क जो विच विल हेल्प टेक आवर कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट लेवल. और कोई भी अ रियल यू नो अ रियल स्पिरिचुअल पर्सन will never ever skip this stage. क्योंकि जब तक आप अपना baggage नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अपना जो इतने साल के issues हैं, hurt हैं,
जो भी इश्यूज हैं, जो आपने जिनको आप पकड़ के बैठे हुए हो, जब उनको छोड़ोगे ही नहीं, हल्के ही नहीं करोगे अपने आप को, तो आगे कैसे बढ़ोगे? इट इज इम्पॉसिबल एट ऑल. एंड ऑल ऑफ अस गो थ्रू दैट. आई हैव गॉन थ्रू दैट. आई हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज विथ यू नो अ लॉट ऑफ क्लोज मेंबर्स इन माई फैमिली, बट थैंकफुली आई ट्राइड टू रिजॉल्व द इश्यूज वेल इन टाइम, सो दैट बोथ ऑफ अस कुड मूव अहेड इन आवर जर्नी. ओके. एंड फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस या यू नो हमको अगेन वही लगता है कि हम कैसे जाएं, कैसे हम बात शुरू करें. एंड दिस इज समथिंग दैट आई टेल पीपल हु हैव हु आर टेकिंग हीलिंग फ्रॉम मी एज वेल, दैट किसी से बात करना, सो कम्युनिकेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्फ्रंटेशन. अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने लड़ाई झगड़े करने. ओके. एंड इफ यू आर समबडी हु स्ट्रगल्स विथ इमोशंस वाइल हैविंग अ कम्युनिकेशन, देन देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो अवेलेबल विच माइट हेल्प यू. तो अगर इफ देर इज समबडी इन योर लाइफ हु इज बीन अ ह्यूज ह्यूज यू नो प्रॉब्लम मेकर इन योर लाइफ, एंड यू वॉन्ट टू रियली पुट एन एंड एंड से कि भाई यू नो आई हैव बीन एट फॉल्ट, दिस इज वॉट माई एरियाज वर, जहाँ पे मैंने भी गलती करी है. एंड आपको लगता है कि जब आप उनसे बात करने जाओगे प्रॉबेबली यू विल गेट सो इमोशनल कि आप बोलना चाहोगे शायद एप्पल और निकलेगा जीब्रा. तो अगर ऐसी वाली सिचुएशन है आपके साथ में, तो लिख के जाओ, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर क्या क्या आप उनको बोलना चाहते हो. और अगर बोल तब भी नहीं बोल पाते हो, राइट अ लेटर टू देम. कहीं पे भी ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन हैज टू बी वर्बल ओनली. नो, इफ आई एम समबडी हु गेट्स वेरी इमोशनल, इफ आई एम समबडी हु क्राइज ड्यूरिंग यू नो व्हेन आई एम हैविंग दिस इमोशनल कॉन्वर्सेशन, देन आई रियली डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई एनर्जी इन हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन. आई वुड रादर राइट अ लेटर टू यू, सेंड दैट लेटर टू यू कि भाई पहले इसको पढ़ लो, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं कहना चाहती हूँ, एंड उसके बाद आप कॉन्वर्सेशन करो. एंड प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्वर्सेशन डजंट हैव टू बी अबाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन और ब्लेमिंग योर सेल्फ. एक सिचुएशन थी, वो सिचुएशन आई आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए, और अब आपको जब समझ आ गया है कि हाँ वो क्या सिखाने आई थी, तो उन चीजों को ब्लेम मत करो, उस पास्ट को ब्लेम मत करो. राइट. सो बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ योर ओन फॉल्ट्स. लुक एट हु यू आर, व्हाट इज द वर्क जो आपको अपने ऊपर करना है, कौन सी चीजें हैं जिनको आप अगर हटा दोगे, जिनको आप रिजॉल्व कर लोगे अपनी लाइफ से, तो आप वेरी स्मूथली यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर जर्नी. सो टुडे दिस इज ऑल दैट I would like to talk about, which are the three I's, that is the isolation, the inner conflict and the inner work. और जब हम inner work कर लेते हैं उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, I will share that with you as well. So I hope you will take from this video whatever works for you. If it can be helpful to you in some way, I'll be more than happy. To know more, like I said, to know more about me, about the kind of work that I do, there are links in the description. You can follow those links. You can follow us on social media. You can, if you want to be a part of my WhatsApp group, you can be a part of that. Whatever it is, whatever it is. So, you know, the intention is to be able to help you in any small way. And this was stage two of the spiritual journey, spiritual awakening, and I hope you will also share your experiences, whatever it is that you are going through, and let's learn together on this journey. So I had a great time sharing my experiences with you. Next video shall be up very soon. Until then.